हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल संगीता मेहता ब्लॉग पे। ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह 8 बजे से कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और अब दुकान पे हूँ। दुकान के पीछे वाले बरामदे में मैं आई हूँ ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि दुकान पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो शोर शराबा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए पीछे वाले बरामदे में आई हूँ ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए। ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो जाए तो अच्छा है और चीज़ मैं दिखाती रहूँगी। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है और बर्थडे हम ज़्यादा धूम कोई ज़्यादा हम सेलिब्रेट नहीं करते, हल्का फुल्का केक कटिंग का कार्यक्रम हम अपनी बच्चों के साथ करते हैं, और क्योंकि बच्चा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं और उनके पापा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना लेते हैं और हम लोग घर पर रह जाते हैं। थोड़ा सा केक कटिंग का हल्का फुल्का हम घर में करते हैं और अपनी फैमिली को उसमें शामिल करते हैं। और आज का बर्थडे मनाने का वैसा कोई मूड नहीं है, बेटा भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा था कि बर्थडे मनाना है करके, क्योंकि जब से मम्मी गई है तब से थोड़ा मूड ठीक भी नहीं है। और चलो मम्मी तो चलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन दुख इस बात का कि पापा भी बीमार हैं। पापा जब से मम्मी छोड़ के गई है तब से पापा थोड़ा डिप्रेस चले गए हैं और वो कुर्सी से गिरे तो उनका जो हिप जॉइंट होता है वो क्रैक हो गया है। उनको हल्द्वानी में एडमिट किया गया है और एडमिट होने के साथ साथ उनका थोड़ा जो दिमागी संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है। अब डर इस बात की है कि अगर दिमागी संतुलन बिगड़ता है तो भी हमको परेशानी है, और अगर वो ऐसी करके कुछ हो जाता है तो भी हमको परेशानी है। मतलब मायके की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस बार। मम्मी जब से गई है तब से पापा परेशान हैं, पापा के साथ साथ भाई बहन फैमिली के सभी लोग परेशान हैं और हम लोग भी परेशान हैं। हमारे तो पापा हैं वो, पर अब क्या कर सकते हैं। कभी कभी हालात किसी को इतने मजबूर कर देता है कि वो डिप्रेस में जाना स्वाभाविक है। पापा वैसे भी पहले से ही बीमार थे, पापा का पहले से भी इलाज चल रहा था, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा मायके वालों का हाल देख के मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ। मैं उतना अपने ससुराल में उतना दिमाग भी नहीं लगा पा रही हूँ, उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो आगे जो भी होगा, फिर जैसा भी होगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग पे, इंजॉय करना जितना भी मैं शूट कर पाऊँ, आप लोगों को दिखा पाऊँ। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग टाइम टू टाइम डालती रहूँ, लेकिन कभी नहीं डाल पाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग, देखना हमारे ब्लॉग को। छत पे गई हूँ अभी, सुबह कपड़े निकाले थे, कपड़े सारे धुल सूख चुके हैं। इतने सारे कपड़े, पूरे तार भर के कपड़े आज धोए थे तो सूख चुके हैं। और साथ साथ मैं व्यू भी दिखा रही हूँ। व्यू मौसम बारिश वाला ही हो रहा है, हल्की हल्की धूप खिली है, कोई बहुत अच्छा भी मौसम नहीं हुआ, चटकते धूप भी निकली है, हल्का हल्का कोहरा है और हल्की हल्की धूप खिली हुई है, तो हो सकता है शाम तक बारिश भी आ सकती है। और मौसम कुछ इस तरह दिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। दुकान की दीवार भी पूरी तोड़ दी है इस बार, जो आगे रोड के साइड हमने सेफ्टी दीवार लगाई थी वो मीता जी ने तोड़वा दिया है। फूल अतिक्रमण के अंदर आता है, दीवार तोड़ दी उन्होंने और इतना तोड़ दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक दीवार पूरी तोड़ दी है। और दुकान में और रोड में घर के दुकान के रास्ते में कूड़ा ही कूड़ा हो रहा है। देखो अंदर से ऐसे हमने अलग से एक सेफ्टी दीवार दी थी घर को मजबूती देने के लिए, वो तोड़ रहे हैं आज, पूरी दीवार तोड़ दी है। बहुत परेशानी हुई इस दीवार को तोड़ने में, और क्या कर सकते हैं इसमें। देखो इतना ज़्यादा मतलब कूड़ा करकट दुकान के आगे जमा हुआ है, दुकान में भी इतनी गंदगी आई है। सुबह एक घंटा लगा के साफ किया था, फिर दुकान के अंदर उतनी गंदगी आ गई है और पूरी दुकान में धूल ही धूल हो चुकी है। काम चला है घर के आसपास तो धूल होना स्वाभाविक है। हम नेताजी का रवैया दिखाती हूँ आप लोगों को, नेताजी की नेतागिरी दिखा रहे हैं मेरे को, कह रहे अवैध है ये सब तोड़ो उसको, जैसे भी मैं से मंगाता हूँ बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। देसी भी चाहिए घर वाली का, हमारा वहाँ काठमांडू में दे रहे ना बालिंग साथ।
सब आगे आप जैसे भी लगा सब कहेंगे सारे मना। ये मीठी के तो तोड़ दिया, तेरे दुकान तोड़ दिया, मीठी की दुकान तोड़ दी। प्रतीक का सिंपल सा बर्थडे मना रहे हैं आज हम, और प्रतीक का भी मन नहीं था क्योंकि प्रतीक की नानी इस दुनिया में नहीं है, तो थोड़ा प्रतीक भी का मतलब बोल नहीं पा रहा था हमसे कि बर्थडे मनाते हैं करके, और फिर भी सिंपल सा किया और जितना भी किया ठीक है। अगला बर्थडे तो बहुत अच्छा मना रहे हैं हम। चल प्रतीक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रतीक, हैप्पी बर्थडे टू यू। मानो के हाथ में केक तो देखो, मानो खतरनाक है यार मेरी। अरे पति का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया है हम लोगों ने, और डांस करो चलो करो। बर्थडे आजकल का जो बर्थडे है ना वो बड़ा अजीब टाइप का होने लगा है, समझ में नहीं आता कि समय के हिसाब से बर्थडे मनाने का भी। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब बर्थडे मनाते हैं, पूरियां बनती हैं, पनीर बनता है, बहुत सारी सब्जियां बनती हैं, और अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को बुला के खुशी खुशी हंसते हंसते बर्थडे मनाया जाता है। लेकिन आज का दौर देखो ना, मैं मेरे परिवार से खुश हूँ या दुखी हूँ मैं नहीं जानती। पता है अब बच्चे बड़े हो गए हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब हम उनको जैसे डालना चाहते डाल जाते, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपनी मन की करने लगते हैं। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आज मेरा बेटा तुम्हारे साथ बर्थडे मनाने के लिए जाना है किसी रेस्टोरेंट में। उसने पापा से पैसे मांगे और रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाने चले गए। बेटे ने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, पापा इतने तेज, पापा ने पहले ही अपने फेसबुक आईडी पे बेटे का बर्थडे विश भेज दिया। तो पापा के दोस्त तो भी बोलने लगे कि पार्टी दो पार्टी दो, पापा अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे, पापा अलग रेस्टोरेंट में बैठ के बेटे का बर्थडे मना रहे, बेटा अलग रेस्टोरेंट में बैठ के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन मैं और मेरी बेटी हम लोग घर पे। अब बेटी ने कहा मम्मी ये लोग तो गए कुछ ना कुछ खा लेंगे, मुझे लगी है केक खाने जैसी, तो घर पे केक मंगाते हैं। तो मैंने केक मंगाया घर पे,
लेकिन मैं किसी को बुला नहीं पाई। पापा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने चले गए, बेटा अपने दोस्तों के साथ, तो दुकान में कौन बैठेगा? बेटी तो पढ़ाई करती है ना, मैं बैठी रहेगी दुकान में, मैं खाना कब बना दूँ? तो हमने भी आज भी नियम पे हैं, घर पे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी परिवार तोड़ने का जिम्मा औरत पे क्यों थोपा जाता है? मैं और मेरी बेटी, हम भी जा सकते थे किसी रेस्टोरेंट में बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, मैं भी दोस्त बना सकती थी, चाहूँ तो हजारों दोस्त बन जाएंगे मेरे भी। लेकिन बेटा जाए पोता जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहू ने नहीं जाना चाहिए और नातनी ने नहीं जाना चाहिए। इतना भेदभाव होता है समाज में औरतों के साथ और हम कुछ कर भी नहीं सकते। समय बदल रहा तो पुरुष उसका पूरा फायदा उठा रहे। चलो ठीक है, जो जहाँ खुशी खुश रह सके, जिसको जैसे खुशी मिल सके। बेटी ने मुंह पे केक लगा के मुंह कैसा बना दिया, ये चॉकलेट वाला केक मंगाया था बर्थडे। रात काफ़ी हो चुकी है और आज का जो ब्लॉग मैंने शूट किया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, कल एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने प्यारा सा नया ब्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।